So a very good evening and welcome to Need Now your NCERT destination डेस्टिनेशन जहाँ हम बात करते हैं आपकी NCERT की आपके topics की और complete करते हैं हम अलग अलग chapters evening में चल रहा है animal kingdom morning में चल रहा है, human health and diseases इलेवेंथ and ट्वेल्थ parallelly ठीक है अब अगर आपको ये lectures टाइम नहीं मिले ये जानना चाहते हैं ये आप तक इसकी इंफॉर्मेशन आए तो क्या करना है सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करिए ठीक है तो जैसे आपको पता ही है ऑलरेडी जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं मॉर्निंग में हमारा जो सेशन चल रहा है वो क्लास 12 का है और इवनिंग में क्लास इलेवन का चल रहा है सो समवे डाउन द लाइन वी आर ऑन अ वे टू कंप्लीटिंग द फर्स्ट यूनिट फ्रॉम क्लास 11 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड सो अभी भी टाइम है जुड़ जाइए सिर्फ एक ही यूनिट कंप्लीट हुआ है बाकी के लिए साथ रहिए ठीक है सो so, जैसे हमने एनिमल किंगडम जो पिछले कुछ चैप्टर से देखते आए हैं आज हम उसके आगे का देखेंगे कल हम लोगों ने कुछ फाइला जो थे वो कंप्लीट किए थे एंड आई स्पोक कि हम कॉर्डेटा जो है अब वो प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे ना वेन यू टॉक अबाउट कॉर्डेटा कॉर्डेटा में कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत आ, एक तरीके से समझनी पड़ेंगी क्योंकि अभी तक जो हम फाइल देख रहे थे दे ऑल वर ओवर वहां ये सब था ही नहीं हाँ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा हमने वेदर सिमेट्री कैसी है वो देखा सिलोमेट है कि नहीं देन है है डिप्लोब्लास्टिक ये चीजें देखी अब कॉर्डेटा हमारा सबसे इवॉल्व कह सकते हैं या सबसे एडवांस्ड फाइलम है सो so, उसी के बारे में आज बात करेंगे नाउ व्हेन यू स्पीक अबाउट फाइलम कॉर्डेटा एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम सॉरी

सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली हम लोग जो है वो कहीं कही ना कहीं पीछे तो जाएंगे नहीं हम लोग जो है आगे ही जाएंगे हमारा ऑर्गेन सिस्टम लेवल है ऑर्गन सिस्टम लेवल ही रहेगा ठीक है बायोलेट्री सिमेट्रिकल है बीच में से अगर एक एक्सेस गुजरेगी विल बी टू इक्वल हाफ सिलोमेट है ट्रिप्लोब्लास्टिक है सो so, जो सारी एडवांसमेंट हमने देखे थे अभी तक जो एक एक करके हम देख रहे थे नेक्स्ट लेवल पे और ऊपर फिर और ऊपर फिर और ऊपर हमारे केस में वो सब है

सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा वर्टिब्रेटा में हम आएंगे सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा आएगा जिसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं अच्छा ये जो है, इसमें कुछ चीजें हमको समझनी है नोटोकॉर्ड जो है आपकी ये वाली है ठीक है यहां पे चल रही है क्या लिखा है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड दिस थिंग दिस इज योर नोटोकॉर्ड डॉर्सन होलो Nerve cord, ये, And paired ये। ठीक है, आपको फिश में बहुत क्लियरली मार्ग ये दिखते हैं आसानी से आप उनमें देख सकते हो इनफैक्ट जब भी हम कोई फिश बनाते हैं इस तरीके से जब हम बनाते हैं फिश तो हम उसके स्केल्स बनाते हैं ठीक है यहाँ पे आपको जो है उनके गिल्सलिट्स uh, नहीं दिखते हैं बट वेन यू टॉक अबाउट ये क्यों बनाई है इस तरीके की लाइन्स में और उनके थ्रू जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ऑब्वियसली वो वर्क करता है सो दिस इज समल इंफॉर्मेशन अबाउट नोटोकॉड की एडवांस है ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट ऑर्गन सिस्टम लेवल भी है हमारा प्लस क्या डिफरेंट है एक नोटोकॉर्ड है एक कॉर्ड है और आपके गिल्सलिट्स है यानी जो हमारा रेस्पिरेशन है दैट इज अकरिंग थ्रू द गिट्स कुछ जगह पे आपके लंग्स आ जाएंगे अच्छा अब यहाँ पे क्यूनिकेटा या यूरोकॉर्डेटा इसको हम डिटेल में देखेंगे सिर्फ एलोकॉर्डेटा एंड देन वर्टिब्रेटा ठीक है अब लेकिन उसको भी स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे इनवर्टिब्रेट्स या नॉन वर्टिब्रेट्स या फिर आप कह सकते हैं कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस है सबसे पहले तो नोटोकॉर्ड के बारे में है जो आपके कॉर्डेट्स हैं यहाँ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है ठीक है इनवर्टिब्रेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स एबसेंट ठीक है हम इनको वर्टिब्रेट्स भी कह सकते हैं और हम इनको इनवर्टिब्रेट्स भी कह सकते हैं ये जो हमारे फाइलम होंगे ये होंगे हमारे वन टू टेन क्योंकि हमने हेमी कॉर्डा को इंक्लूड कर लिया है और बाकी के जो हैं, वो यहाँ आ जाएंगे आपके जो वर्टिब्रेट्स हैं या कॉर्डेट्स हैं उसमें ठीक है नाउ सेकंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल होलो एंड सिंगल नॉन कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड एंड डबल वेंट्रल आगे जो हम लोगों की ये साइड होती है स्टमक की साइड फेस की साइड डॉसल पीछे हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो पीछे है ब्रेन हो गया स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारी बैक साइड पे चल रहा है इनके फ्रंट होता है एंड वी हैव वन सिंगल सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सब मैनेज कर रहा है इनके में आपका डबल है फैरिंग्स परफोरेटेड बाई गिल्सलिट्स परफोरेशन क्या होती है एक तरीके से जैसे कट्स हो गए हो जैसे गिल स्लिट्स में होते हैं यहाँ पे गिल स्लिट्स नहीं है आपके गिल स्लिट्स एब्सेंट लिखे हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जनरली जब जनरली वर्ड आ गया यानी ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स ठीक है वो चीज नहीं दिखाते हैं क्लियर नेक्स्ट यहाँ पे आपके गिल स्लिट्स जो है दे आर एबसेंट हार्ट इज वेंट्रल हार्ट इज डॉर्सल अगर प्रेजेंट है तो ठीक है वेंट्रल हमारा हार्ट आगे की साइड है इस तरफ हम एक्चुअली इसको आगे की साइड ही कंसिडर करते हैं क्योंकि इस तरीके से हम आगे व्हेन वी वॉक वी वॉक लाइक दिस आगे चलते हैं हम लोग तो इसको आगे की साइड कंसिडर करते हैं हमारा हार्ट वेंट्रल साइड पे और अगर आपकी नॉन कॉर्डेट्स की बात करें अगर हार्ट प्रेजेंट होगा सो इट विल बी ऑन दी डॉसल साइड बैक साइड ठीक है अपोज एनल पार्ट और टेल इज प्रेजेंट ठीक है यहां पोस्ट एनल एबसेंट है यानी काफी सारी चीजें अगर हम देखें हम उन्हीं की बात करें जो हमारे में प्रेजेंट है और इनमें है फिर से देखें एक बार सबसे पहले क्या कहा है नोटोकॉर्ड से रिलेटेड है ठीक नोटो है नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स में प्रेजेंट है डॉन कॉर्डेट्स में एबसेंट है ठीक है यहाँ पे जो हमारा सीएनएस है सीएनएस के, के लिए क्या कहा है डॉसिल ठीक है हॉलो प्लस सिंगल और इसके एग्जैक्टली exactly अपोजिट हो जाएगा तो क्या होगा वेंट्रल सॉलिड डबल ये इनका सीएनएस हो गया राइट right? नेक्स्ट है हमारे गिल स्लिट्स यहां परफ़ोरेटेड जो है पैरिंग्स वो है सो so, यहां गिल स्लिट्स प्रेजेंट है यहां नहीं है हार्ट हमारा वेंट्रल साइड पे होता है यहां पे अगर प्रेजेंट है प्रेजेंट ठीक है देन इट विल बी ऑन दी डोर्सल साइड राइट हमारे में पोस्ट एनल टेल जो है एनल के बस मतलब एनस जो होता है हमारा उसके बाद जन so, है बिटवीन योर कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स जहां पर हमें पता चलता है कि डिफरेंसेस क्या है वाई देर आर सर्टन फाइला विच आर पुट इन योर नॉन कॉर्डेट्स एंड सर्टन फाइला विच आर प्रेजेंट इन योर कॉर्डेट्स ठीक है तो ये चीज हमको समझनी है सबसे पहले जो आपकी नोटोकॉर्ड है वो तो डायरेक्टली आप समझ जाओ क्योंकि कॉर्डेट को इसीलिए अलग किया गया है क्योंकि वहां पे आपकी नोटोकॉड है ठीक है तो अब हमने जो देखे थे जो एक एक करके हमको देखने हैं इसके फाइलम जो है फर्दर आपके जो ट्यूनिकेटा है आपका सिफ एलो कॉर्डेट एंड कॉर्डेटा वो स्टार्ट करते हैं सो so, ये था आपका कॉर्डेटा वी सॉ द देफरें नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इन टू थ्री सब फाइल जो हमने कहा था टाडेटा एंड वर्टिब्रेटा हमारा है, so, या tunicata, ये एक ही है, हुँ? अब सब फाइल यूरोटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा और ऑफन रेफर टू एज प्रोटोकॉर्डेट ये जो आपकी छोटी क्लासेस होती है ना उनमें मैंशन किया होता है प्रोटोकॉर्डेट तो अब जब आप 11th का पोर्शन उठाओगे तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिकॉज़ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या है प्रोटोकॉर्डेट दोनों जो है आपके ठीक है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा या फिर ट्यूनिकेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा ठीक है यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम ही ट्यूनिकेटा है दिस इज नॉट अनदर सब फाइलम राइट सो ट्यूनिकेटा यूरोकॉर्डेटा एक चीज है वो और सेफेलोकॉर्डेटा उन दोनों को हम कहते हैं प्रोटोकॉल डेटा ठीक है दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन यानी कि आपके फ्रेश वाटर नहीं है सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं अच्छा अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है जैसे अभी तक हम देखते हैं ना कि हम लोग फर्स्ट फाइलम से जैसे हमने शुरू किया था पॉरीफेरा से से वहां ऊपर 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 होते आए थे तो चीजें एडवांस हो रही थी यहाँ पे आप जब यूरोकॉर्डेटा सिफेलो की बात करोगे ये भी बेसिक्स है जब वर्टिब्रेटा आएगा उसमें जो क्लासेस आएंगी उसमें भी इवोल्यूशन आपको बहुत ईजीली दिखाई देगा सो तो यहाँ पे अगेन दे आर मरीन है ना जैसे हम जानते हैं कि The first life that originated in water. So water is extremely necessary. Or you say that water life is not possible at all. Okay. Now In urochordata notochord is present only in larval tail. While in cephalocordata, it extends from head to tail region. And is persistent throughout their life. डेटा जो पहला सब फाइलम है जो की प्रोटोकॉर्डेटा का पार्ट है उसमें क्या है जो आपकी नोटोकॉर्ड है सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल में है अब लार्वा डेवलपमेंट इनडिरेक्ट हो गया, हो गया. So, वहां पे आपकी सिर्फ लार्वल टेल में आपको नोटोकॉर्ड दिखेगी बट जो सिफॉर्डेटा है सेकेंड सब फाइलम वहां पर आपकी थ्रूआउट द लाइफ रहती है राइट एग्जाम्पल्स यूरोडेटा के एसीडिया दिस इज योर एसीडिया ठीक है सेल्पा दिस इज योर डोलियोलम अब लास्ट में क्या लिखा है ब्रांक्योस्टोमा एम्फियोक्सस और लैंसलेट अच्छा पहले तो ये समझ लीजिए ये जो है आपका दिस इज योर ब्रैंक्यो अब ये जो लिखा है ना

ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये सारी चीजें हमने पहले देख ली बायलैटरल सिमेट्री है इनमें ठीक है अब कुछ चीज़ें जो डिफरेंट है यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है आपकी जो नोटोकॉर्ड uh, है वो सिर्फ लार्वा जब होते हैं ऑर्गेनिजम्स तब प्रेजेंट होती है व्हेन ऑर्गेनिज्म है बट जो आपका सेकेंड फाइलम है विच इज योकॉर्डेटा यहाँ पे इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ ठीक है ब्रांक्यूल स्टोमा इज एग्जाम्पल ऑफ योर सफेलोकॉर्डेटा ये डोलियोलम एसिडिया और आपका सेल्फा जो है दिस आर एग्जांपल्स ऑफ योर यूरोटा एम्फी में कंफ्यूज नहीं होना है एम्फी पहले कहा जाता था उसको प्लेस किया गया था बट देन एम्फी ऑक्सिस वॉज ऑब्सुलिट ऑब्सोलीट यानी उसको डिलीट किया गया रिमूव किया गया ठीक है सो so, ये हो गया एक इंट्रोडक्शन अबाउट योर यूरोडेटा एंड सिफेलोकॉडेटा नाउ लेट मूव टू द नेक्स्ट वन जब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एम्ब्रिय होते हैं तब आपका जो नोटोकॉर्ड है वो देखा जाता है द नोटोकॉड इज रिप्लेस बाय कार्टिलिजनस और बोनी वर्टेबल कॉलम इन दूस हम लोग जब आ, जैसे पहले कहा कि एम्ब्रियोनिक के टाइम पे जब एम्ब्रियोनिक लाइफ है तब आपका नोटोकॉर्ड है जैसे-जैसे हम बड़े होंगे वैसे-वैसे या तो एक बोनी या कार्टिलेजिनस वर्टीब्रल कॉलम में आ जाएगा अच्छा बोन्स स्ट्रांगर कंपैरेटिवली कहे जाते हैं और कहते हैं कार्टिलेज जो है बोन्स के मुकाबले नहीं होता बट अभी यहाँ ऐसे एग्जाम्पल्स आने वाले हैं ना दैट यू बिलीव कि उनका स्केलेटन जो है है वो कार्टिलेज कार्टिलेज से बना हुआ सो so, बोन्स दोनों ही पाई जाती हैं वर्टिब्रेल कॉलम हमारा जो है हमारा बोन से बना हुआ है हमारी जो वर्टिब्रिटा है जो डिस्क अलग लगी हुई हैं वो दे ऑल आर बोन्स सो कहीं ना कहीं ये समझा उसके बीच में हाँ कार्टिलेज आपको मिल जाएगा दैट इज अनदर थिंग जो बट मेन जो चीज बनी है दैट इज ऑफ द bones. So embryonic life में, embryonic phase में आपको notochord card मिलेगा. उसके बाद आपका वो replace हो गया जाएगा by cartilaginous या फिर bony vertebral column से. Thus all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Vertebrates और chordates mix कर सकते हैं. मैंने आपको पीछे भी mix करके दिखाया. But ये लोग क्या कह रहे हैं कि जो vertebrates है वो कॉर्डेट्स है बट जो सारे कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते क्यों क्योंकि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड जो है ठीक है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक लाइफ में है और यहाँ पे नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो रही है किसमें आपके वॉर्टिब्रेल कॉलम में दैट इज वाई जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको हम कॉर्डेटा कह सकते हैं लेकिन जो सारे कॉर्डेट्स हैं हम उनको वर्टिब्रेट्स नहीं कहते वर्टिब्रिल कॉलम भी तो चाहिए इसीलिए

किडनीस है यस वी है टू किडनी टू किडनी सिस्टम के लिए एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एंड पेयर्ड अपेंडेजेस पेयर्ड अपेंडेजेस लिम्स जो है हमारे हाथ और पेर दोनों वो प्रेजेंट है राइट सो यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है जो हमारे वर्टिब्रेटा को क्लासिफाई किया गया है वो क्या किया गया है ठीक है सबसे पहले ये तो हो गया आपका वर्टिब्रेटा यानी कि हमारा यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम आ गया है वर्टिब्रल कॉलम किससे बना है या तो बोन्स या कार्टिलेज से ठीक है अब यहाँ पे डिवीजन की जा रही है क्या कहा है कि पहली डिवीजन जो है वो है एग्नेथा यहाँ पे जॉ नहीं है ठीक है जॉज आर एब्सेंट हो गए एग्नता में दूसरी है जी है यहाँ पे साइलेंट है राधा ठीक है so, सो नैथोसटोमैटा यहाँ पे आपके जॉज हैं एंड ऑब्वियसली क्योंकि हमारा जॉ है हम लोग इसी में आएंगे ये सुपर क्लास है ठीक है बहुत हाईली इवॉल्व है अब इसमें दो फर्दर डिविजन है पहली है पाइसिस यानी कि फिश सारी फिश है एंड दे बेयर फिंस ठीक है पाइसेस का मीनिंग ही एक्चुअली फिश होता है ओके okay? जैसे आपकी एस्ट्रोलॉजिकल साइंस होते हैं है ना तो उसमें भी हिंदी में हम मीन कहते हैं इंग्लिश में Pisces कहते हैं वो क्यों है क्योंकि एक्चुअली पाइसिसक्चुअली योर फिश इट ठीक है अब इसमें दो क्लासेस हैं एक है आपकी कॉन्ड्रिक ऑस्टिक थाइज ये दो क्लासेस होगी दूसरी है हमारी टेट्रापोडा टेट्रापोडा में यहां पे फिन्स है यहाँ पे हमारे लिम्स हैं ठीक है Pins, limbs. Class कौन सी है Amphibia, reptilia, apes and mammals, ठीक है ठीक अभी तक जो आपको स्कूल में आपके फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वगैरह कराया गया होगा वहां पे फिश को भी आपके एक तरीके से वर्टिब्रेटा में मिला के पढ़ा देते हैं बट यहाँ पे और ज्यादा डिविजन है फिर से देखिए वर्टिब्रेटा डिविजन है आपकी दो इसमें ठीक है दो इसमें डिवीजन है पहली है एग्नेथा पहली क्या है आपकी एग्नेथा एंड दूसरी है आपकी नैथोस्टोमेटा यहाँ पे जॉ नहीं है यहां पे हैं जैसे हम लोगों का जॉ होता है राइट यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लास है जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा अब यहाँ पे जब हम आएंगे नैथोस्टोमेटा में ये दिस इज सुपर क्लास इसके अंदर दो फर्दर डिजन है एक में है आपके फिंस राइट एक में है आपके लिम्स हाथ पैर ठीक है अब यहां पे क्लास कौन सी है पहली है कॉन्ड्रिक थाइस दूसरी है ऑस्ट्रिक थाइस और जिनके पास लिम्स हैं वो क्लास कौन सी है एम्फीबिया रेप्टीलिया एंड लास्टली अस मैमल्स ठीक है सो ये आपका जो हमारा वर्टिब्रेटा है उसको डिवाइड किया गया है कॉर्डेटा सिफेलो है यूरोकॉर्डेटा है और तीसरा है आपका वर्टिब्रेटा सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा ठीक है ये दोनों मिलके प्रोटोकॉर्डेटा बनाते हैं उनके अभी हमने एग्जांपल्स देखे जो एसडीआर था फिर आपका नीचे था ब्रैंक्यूस्टोमा वहां खत्म हो गया अब हम बात करें हैं थर्ड सब फाइलम की विच इज योर वर्टिब्रेटा दो डिविजन है एग्नेथा नैथोस्टोमैटा एग्नेथा में जॉज नहीं है नैथोस्टोमैटा में जॉज है इनकी फर्दर सिर्फ दो भी नहीं एक ही सिंपल क्लास है कौन सी है साइक्लोस्टोमाटा वहां पे फर्दर डिवीजन है जो नैथोस्टोमेटा है जो जॉज है जिनके पास फर्दर डिवीजन है दो में क्या है एक जिनके पास फिंस है जिनको कहा गया है पाइसिस दूसरे जिनके पास लिम्स है उनको कहा गया है टेट्रापोडा टेट्रा इज फोर और जब हम आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे थे तभी हमने देखा था पोडा मीन्स फीट है ना सो फोर फीट या फोर लिम्स जो हो गया वो अब पाइसिस में दो क्लासेस हैं कॉन्ट्रिक थाइस और स्टिक थाइस वहां पे चार हैं बर्ड्स यानी कि एव्स ठीक है एम्फीबिया रेप्टीलिया मैमेलिया ये हो गया आपका वर्टिब्रेटा का प्रॉपर डिवीजन ठीक है अब हम सबसे पहले चलेंगे एग्नेथा की क्लास साइक्लोस्टोमैटा की तरफ ठीक है अब यहां पे अगर आप देखोगे साइक्लोस्टोमैटा में दे डोंट हैव यहां पे आपको लग रहा होगा कि दांत जैसा कुछ स्ट्रक्चर है स्पाइनी सा बट दीज आर नॉट जॉज दीज आर योर सिंपल डिफरेंट काइंड ऑफ माउथ ठीक है जॉज जैसे हम लोगों का होता है प्रॉपर इसी तरीके से होता है जैसे शार्क में आपने देखा होगा है ना शार्क में एक प्रॉपर जॉ होता है वैसे ही प्रेजेंट है ठीक है चलिए

अगर आप देखोगे इलोंगेटेड बॉडी है लंबी बॉडी है इसमें भी है ना और यहाँ पे आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन गिल्स दिख रहे हैं और उस साइड भी इतने ही होंगे सो सेवन पेयर्स ऑफ गिल्स गिल्सलेट्स यहाँ वही लिखा है कि दे हैव अप्रॉक्सिमेटली सिक्स टू फिफ्टीन छह से पंद्रह के बीच में होते हैं है ना तो so, ये हो गई आपकी साइक्लोस्टोमैटा की कुछ कैरेक्टर्स यानी कि रेस्पिरेशन के लिए दे ऑब्वियसली यूज द गिल्स

तो जो ये इस तरीके से बनाते थे ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स बड़ी डिजाइन के साथ जो बनते थे ये होते हैं आपके स्केल्स अगेन ये जो स्केली है आपको फिश में दिखेगी अपार्ट फ्रॉम दैट आपको रेप्टाइल्स में भी दिखेगी स्पेसिफिकली जो आपके स्नेक होते हैं तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है जब हम फिश की बात करें या मरीन की बात करें तो ये कह रहे हैं ना तो इनके स्केल्स है ना फिंस है अगर आप देखोगे इनकी बॉडी बहुत ही स्मूथ सी लग रही है स्केल्स इस तरीके से होते हैं दोज ईट फिश उन लोगों को पता होगा कि स्केल्स निकालने पड़ते हैं देन यू कैन ईट द फिश तो यहाँ पे स्केल्स इस तरीके से हैं। इनकी बॉडी में कहीं भी आपको स्केल्स नहीं दिख रहे हैं द बॉडी to टू बी वेरी Also ऑल्सो दे डू नॉट any काइंड ऑफ फिंस फिंस नहीं दिख रहे हैं वो सिर्फ इस तरीके से आपकी फ्रीली जो मूवमेंट है वो होती है राइट right? तो ये हो गई आपके की जो बॉडी के बारे में हमको बातें बतानी थी क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस सर्क्यूलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप क्रेनियम हमे क्रेनियम कहा होता है हमे क्रेनियम कहा होता है हमें क्रेनियम होता है हमारे स्कल में द स्कल इज अ क्रेनियम राइट यहाँ पे सो so, क्रेनियम और जो आपका वर्टिबल कॉलम है यहाँ पे वो दोनों ही कार्टिलेजनस है यानी कि यहाँ बोन्स नहीं है यहाँ कार्टिलेजिस है और क्या दिया है सर्क्यूलेटरी सिस्टम नॉट जस्ट इमेजिन इसको देख के लगता नहीं है इतना इवॉल्व होगा बट यहाँ पे पर्टिकुलरली जो आपका सर्क्यूलेटरी सिस्टम है इट इज ऑफ क्लोज टाइप यानी यहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स जो है दे आर प्रेजेंट एग्लेंग होते हैं लार्वा को जो बनाना होता है वो स्पॉनिंग होता है स्पॉनिंग ठीक है उसके लिए इनको फ्रेश वाटर चाहिए होता है सो so, मरीन में रहते हैं बट फॉर एग्लेइंग लार्वा की फॉर्मेशन के लिए स्पोनिंग के लिए आपकी क्या चाहिए फ्रेश वॉटर After spawning within a few days, they die. Yankee, once they mate, once the eggs are laid.

जिससे ये सक करते हैं दूसरी फिश पे एक्टोपैरासाइट है बाहर की तरफ रह के अपना जो भी है न्यूट्रिशन वो डिराइव करते हैं नेक्स्ट जो नॉर्मल कॉर्डेट के होंगे वो तो है ही उसके अलावा जो बॉडी है बहुत इलांगेटेड है बॉडी में फिल्स नहीं है स्केल्स नहीं है ऑल्सो स्लिट्स प्रेजेंट है जो सिक्स टू फिफ्टीन में पेयर्स में हो सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इनका उसके लिए ठीक है नेक्स्ट

टू एग्जाम्पल्स ओनली यहां पर आपका साइक्लोस्टोमैटा जो है वो खत्म हो गया अब हम चलेंगे हमारी दूसरी क्लास जो थी नेटोमैटा जहां पे द एवरीबडीजम्लासेज अलग अलग जो आगे फर्दर हम देखेंगे सब क्लासेस उनमें सबके पास जॉज है बट उनको भी हमने दो इसमें डिवाइड किया है जिनके पास स्पि है और जिनके पास लिम्स है तो जो सबके इससे पहले स्पिन जिसके पास वो हम चलेंगे वो है हमारी क्लास कॉन्ड्रिकाइज ठीक है दो डिविजन थी दो फ्स में भी दो डिविजन थी कॉन्ट्रिक था पड़ेंगे अब ये अगर आप देखोगे आपको ऑलरेडी एक अंदाजा हो गया होगा दैट वी आर वो टॉक अबाउट द शार्क्स एंड द फिश डेंजरस वे आर मरीन एनिमल्स विद स्ट्रीम लाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटिन अब जस्ट इमेजिन की जो शार्क है इतनी स्ट्रोंग होती है इतनी स्विफ्ट होती है इसका जो वर्टेबल कॉलम है अलॉन्ग अदर थिंग्स जो स्केलेटिन है वो प्रॉपर कार्टिलेज का बना है यहाँ पे बोनी स्ट्रक्चर्स नहीं है बोनी स्ट्रक्चर्स आपको ऑस्टिक में दिखाएंगे हम यहाँ पे जितनी भी फिश दिख रही हैं आपको दे ऑल हैव अ कार्टिलेज एंडो ठीक ना माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली आगे की तरफ जब हम अपना आगे की तरफ कह रहे हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे इवन यहाँ पे ऑल्सो एक चीज हाँ बॉडी जो है वो स्ट्रीम है जो लिखा है यू अंडरस्टैंड इनकी बॉडी बहुत ज्यादा प्रोपोर्शनेट होती है जैसे आपने सब वगैरह देखी होंगी हमारे जो एरोप्लेन्स होते हैं एरोप्लेन्स को भी अगर आप देखोगे एरोप्लेन्स कुछ इसी तरीके से बनाए होते हैं जैसे इनके फिन्स हैं उनके विंग्स होते हैं पीछे टेल भी होती है क्यों ऐसी अगर स्ट्रीम बॉडी होती है देन उसके लिए मोशन जो होता है वो बहुत हो जाता है इजी अगर आप देखोगे व्हाइट शार्क्स जो होती हैं या इवन जो दूसरी फिश होती हैं, दे स्विम वेरी फास्ट बहुत तेजी के साथ ये स्विम कर सकती हैं। सो समवेयर डाउन द लेंथ ये जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है ये इनको इसी में हेल्प करती है माउथ इज डोकेटेड वेंट्रली उट लाइफ गिल्स आर सेपरेट एंडम ऑपरक्यूलम गिल कवर जब हम ऑस्टिक था जाएंगे एग्जाम्पल्स हम आपको बताऊंगी एग्जैक्टली ऑपरक्यूलम क्या होता है यहाँ पे अगर आप गिल्सलेट्स देखोगे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं है ना गिल्सलेट्स यहाँ बहुत क्लियरली विजिबल है यहाँ पे भी अगर देखोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स गिल्सलेट्स

टीथ के बारे में क्या लिखा है कि जो इनकी बॉडी प्लेकॉइड सेल से बनी है वही मॉडिफाई होके टीथ बने हुए हैं एंड टीथ जो है वो थोड़े इनवर्ड्स की तरफ हैं अगर देखा होगा बैकवर्डली डिरेक्टेड प्लस इनका जो जॉ होता है इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक आज ऑल्सो आर जॉय इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग बट इनका जॉय इज इम्पेकेबल ठीक है इनफैक्ट शार्क्स के ऊपर एक स्टीवन uh, स्पीलबर्ग की मूवी है जो उसका नाम ही जॉज है ठीक है वो इन्हीं के ऊपर बनी हुई है हाउ एक्चुअली मूवीज में तो सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपके उनको दिखाते हैं कि हाँ वो तो सिर्फ लड़ने के लिए पैदा हुए हैं सो so, यहाँ पे जॉर्ज है उस मूवी का नाम बिकॉज जो शार्क होती है उसका जो जॉ है या कोई भी इनमें फिश आप उठा लोगे ये तो सौ फिश है जस्ट इमेजिन इसका जॉ क्या होगा राइट right? सौ है लिटरली उसमें टीथ जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्यूडिंग है एंड वो उसी तरीके से न्यूट्रिय अपने डिराइव करती है सो समवेर ऑन द लेन देयर जॉज आर वेरी स्ट्रोंग आप मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतने स्ट्रोंग एंड ऑल्सो द स्किन इज टफ सो ओवरऑल जो उनका बॉडी का एक तरीके से एक्सटीरियर है या फिर जो बॉडी जिस डिजाइन से बनी हुई है वो बहुत ही कंसिडरेबली टफ कहेंगे हम उसको या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहेंगे ठीक है नाइट अगेन प्रीडेशियस मैंने बताया था प्रीडेशियस यानी प्रिडेटरी है प्रीडेटरी ठीक है हंट करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को हंट करके खाते हैं सो दिस इज योर प्रीडेशियस

ट्रिक ऑर्गन एग्जाम्पल टॉरपेडो एंडगॉन आपको दिख रही है एंड पीपल एक्चुअली डाई बिकॉज ऑफ द स्टिंगिंग जो इनके थ्रू आती है इवन जो इलेक्ट्रिक शॉक्स होते हैं जैसे यहाँ पे दिया है कि आपके टॉर्पेडो में होते हैं दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल एंड फेटल ऑल्सो बिकॉज ये ऑलरेडी इन वॉटर एंड बहुत ज्यादा जोर से झटका लगता है सो so बहुत आ, एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा चांस होता है दैट आप एक तरीके से फंक्शनिंग जो है आपकी डिस्टर्ब हो जाए एंड अगर ब्रेन तक चला गया रेस्पिरेशन अगर गड़बड़ होगी देन इट इज इट माई प्रूव फैटल ऑल्सो यानी कि डेथ भी हो सकती है सो अगेन दीज आर हार्मुल ऑल्सो इन शार्क दे आर नोन कि वो प्रिडेशियस हैं वो प्रिडेटरिंग है सो so उनसे तो बच के रहना बनता है ठीक है दे आर कोल्ड ब्लडेड और पॉइकिलोथर्मस पॉइकुलोथर्मस यानी कोल्ड ब्लडेड यानी कि जो इनके आसपास का टेम्परेचर होगा वैसे ही होगा हम लोग होते हैं वॉम ब्लडेड या फिर होम्योथर्मल ठीक है होम्योथर्मस हो जाएंगे इफ यू आर पुटिंग एनिमल्स अदरवाइज वी आर होम्योथर्मल ये होते हैं पॉइकिलोथर्मल कोल्ड ब्लडेड वी आर वॉर्म ब्लडेड ट दॉडी टेम्परेचर दे कैनॉट रेग्युलेट द बॉडी टेम्परेचर हम लोग कर सकते हैं इनफैक्ट अभी जो आगे आने वाले एनिमल्स वगैरह है उनमें आप देखेंगे की काफी सारे ऐसे हैं जो पॉइकुलोथर्मल है या फिर जो की कोल्ड ब्लडेड है हमारे तक पहुंचते पहुंचते एक दो हैं जैसे कि एवस वगैरह तो दे कैन एक्चुअली रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर जो बर्ड्स होती हैं वो बॉडी टेम्परेचर अपना रेगुलेट कर लेती हैं और इसीलिए जो उनकी हार्ट बीट होती है वो बहुत फास्ट होती है बॉडी सरफेस रेशियो जो उनका होता है वो बहुत आ, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ज्यादा होता है इसीलिए उनकी हार्ट बीट बहुत तेज होती है कहीं ना कहीं ये चीज रिस्पॉन्सिबल है आपके जो हम हीट अंदर से प्रोड्यूस कर लेते हैं कि जो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं जो हम टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं उसके लिए दीज नॉट चेंज देअ टेम्परेचर हेंस दे आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड और

एंड उनके आगे उनका मीनिंग लिखो और एक एग्जाम्पल लिख दो जैसे पॉय किलोथर्मल लिखा पॉय किलोथर्मल का मीनिंग क्या हुआ आपका कोल्ड ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड के आगे एग्जाम्पल किसका आ गया किसी का भी डाल दो है ना स्नेक का डाल दो किसी का भी डाल दो इसी के नीचे लिखो होम्योथर्मल होम्योथर्मल वार्म ब्लडेड इसके अपोजिट हो गया मीनिंग होम्योथर्मल आपका वर्ड हो गया मीनिंग क्या हो गया ब्लडेड एग्जाम्पल हम खुद है ना, so, इस तरीके से अगर आप करोगे कि एक ही पेज पे आपके ये सारे टर्म्स आ जाएंगे ना सो सर्टेन टॉपिक और अ चैप्टर और उसमें अचानक से वर्ड आ जाता है तो बार बार आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी सिर्फ वो खोलिए अपना पेज एंड जस्ट गो थ्रू इट क्या है आपको डिरेक्टली समझ में आ जाएगा तीन आर जो लिटिल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप अपनी um, स्टडीज में अगर शामिल कर लो तो बहुत ज्यादा इजी तो हो ही जाएगा आपका जो रिविजन होता है या जो तैयारी होती है वो बहुत फास्ट पेस हो जाती है क्योंकि यहाँ पे आपको बार बार मीनिंग जो है वो देखना नहीं पड़ रहा समझना नहीं पड़ रहा ठीक है चलिए नेक्स्ट सेक्सेस आर सेपरेट इन मेल्स फेल्विक फिंस बियर क्लास्पर्स और ये जो क्लासपर्स होते हैं दीज आर योर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन राइट सेक्सेस आर सेपरेट डायोशियस एनिमल्स जैसे अभी ये वर्ड आया डायोशियस डायोशियस मींस सेक्सेस आर सेपरेट ठीक है इस तरीके से मैं कह रही हूँ कि जो वर्ड्स आते हैं स्पेशली इस चैप्टर में काफी सारे हैं जैसे ट्रिप्लो डिप्लोब्लास्टिक अब तो आपको आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है बट इसको अगर लिख लेंगे तो ईजी हो जाएगा रिविजन बहुत जल्दी हो जाएगा चलिए दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर विवी पैरस दैट इज दे गिव बर्थ टू यंग वंस सो पेल्विक जो है वो जैसे मैंने कहा थ्रू रिप्रोडक्शन होता है फर्टिलाइजेशन इंटरनल है ऑब्वियसली व्हेन दे आर गिविंग बर्थ टू यंग वंस सो आपका जो ये बीबी पैरस है उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होगा राइट एग्जाम्पल्स स्कॉलियोडॉन दिस इज योर स्कॉलियोडॉन डॉग फिश जिसको कहेंगे ठीक है सेकेंड एग्जाम्पल प्रिस्टिस सो फिश ये वाली ठीक है सौ जैसी सौ मतलब क्या होता है आरी तो आरी जैसा इसका माउथ ही है इसीलिए इसका नाम जो है वो सो फिश रख दिया गया ठीक है नेक्स्ट इज योर कैरकैरोडॉन नाउ कैन यू इमेजिन जो हमारी ग्रेट व्हाइट शार्क है उसका नाम है ठीक है दिस द ग्रेट व्हाइट शार्क वुड बी योर कारकेरोडॉन ठीक है सॉरी एच मैंने गलती से लिख दिया यहां पे यहां पे नहीं है कारकेरोडॉन नेक्स्ट इज योर ट्राइगॉन और स्टिंग्रे ट्राइगॉन के लिए क्या लिखा है जैसे हमको जो हमारी हनी भी होती है मधुमक्खी वो डंक मारती है उसी टाइप से बट इनका डंक इतना छोटा वोटा नहीं होता है दैट स्टिंग कैन एक्चुअली किल पीपल एंड इट हैज हम लोग छोटे थे तब शोज आते थे आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ कंप्लीट नेम आई एम फॉरगेटिंग हिस्स नेटीव और वो क्रोकोडाइल्स वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा रहते थे सो ही वॉज ऑल्डो ही हैज़ दिस जू इन ऑस्ट्रेलिया और उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें की थी बट वंस यू वॉज स्विमिंग एंड ही केम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिंग्रे एंड हाउ एवर ही मेंट नो हार्म बट यू ऑलरेडी पहले से डरी हुई थी सो शी स्टंगी डाइड सो दिस स्टिंग कैन एक्चुअली किल पीपल ठीक है ये

कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड आपके स्केल्स वहाँ पे स्केल्स बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे प्लेकॉइड है स्किन स्मूथ फील होती है

टू चेम्बर्ड वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल अगेन इलेक्ट्रिक ऑर्गन जैसे कि हमने कहा था कि यहाँ पे टॉर्पेडो में और आपके पॉइजन स्टिंग भी देखा जाएगा ट्राइगोन में कोल्ड ब्लडेड पॉइक्यूलोथर्मल लैक कैपेसिटी टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर सेक्सेस सेपरेट हैं, डायोशियस एनिमल है एंड इन मेन्स दे ऑर्गन्स इंटरनल so, फर्टिलाइजेशन है मेनी ऑफ देम बेबी पैरस और ये आपके एग्जाम्पल्स ठीक है सो दिस इज योर क्लास थाइज नेक्स्ट क्लास जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी ऑस्टिक सो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्लास ये है आपकी ऑस्टिक थाइज अच्छा अब ध्यान से देखिएगा ये जो एक अलग सा पार्ट दिख रहा है ये तो जैसे माउथ हो गया ठीक है ये जो एक अलग सा पार्ट है जो एक इस तरीके से बना हुआ है यहां पे ठीक है और कहीं मैं दिखाऊं आपको यस इन दिस फिश ऑल्सो यहां पे बहुत प्रोमिनेंट है ये ये जो है ये है आपका ऑपरक्युलम ठीक है दिस इज योर ऑपरक्यूलम और इज़ योर गिल्स गिल्स पे जो होते हैं आपके वो कवर्ड होते हैं वो दिखते नहीं हैं इससे पहले में गिल्स ओपन थे एक तरीके से उसके ऊपर जैसे ढक्कन जैसा लगा हो वो है ठीक है चलिए नाउ क्लास ऑस्टिक इंक्लूड्स बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस विद बोनी एंडोस्केलेटन कॉन्ट्रिक थाइज और आपके ऑस्ट्रिक था ये मेजर डिफरेंस है कि कॉन्ट्रिक था जो आपका स्केलेटन है दैट इज कम्प्लीटली कार्टिलेजनस ठीक है इसीलिए उनको कार्टिलेजिनस फिश भी कहते हैं बट ऑस्ट्रिक था में आपका जो स्केलेटन है दैट इज बोनी एंड दे आर ऑल्सो नोन एज बोनी फिशेज ठीक है दे बॉडी स्ट्रीमलाइंट माउथ इज मोस्टली टर्मिनल अच्छा टर्मिनल क्या हुआ ये तो वेंट्रल हो गया ये तो डॉर्सल हो गया टर्मिनल क्या हुआ हमारी बॉडी के टर्मिनल एंड्स क्या हैं? जैसे अगर हम इस फिश की बात करें ये एक टर्मिनल एंड है ये एक टर्मिनल एंड है सो so, यहाँ पे जो इसका माउथ है दिस इज द टर्मिनल एंड सो इसीलिए यहाँ पे इसको कहा गया है कि जो माउथ है दैट इज योर टर्मिनल एक टर्मिनल जहां एंड हो रही है वहां पे ठीक है सो बॉडी अगेन वेरी स्ट्रीमलाइंड अगर आप देखोगे उनकी तरह ही है टेल है डायरेक्शन के लिए फिल्म है काफी हद तक सिमिलर है बट कुछ कुछ छोटे मोटे जो डिफरेंसेस हैं वो तो होंगे ही दे हैव फोर पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन ओपोक्यूलम ऑन ईच साइड फोर पेयर्स इधर फोर इधर फोर और उनके ऊपर ऑपरक्यूलम है दोनों साइड से ठीक है सो टोटल गिल्स अगर ऑस्टिक के होंगे सो दे आर एट राइट दे आर एट एंड दे हैव अ कवरिंग ऑन टॉप ऑफ इट जो कि ऑपरक्यूलम है और ऑपरक्यूलम दोनों तरफ प्रेजेंट है स्किन कवर्ड टेनोइड टेनॉइड कहा है सी अगेन साइलेंट है यहाँ पे अगर देखो आप वैसे ही स्केल्स दिख रहे हैं जो हम बचपन में पढ़ाते थे ओ य प्रोमिनेटली सॉरी बहुत आसानी से वो स्केल्स जो हम बड़े डिजाइन के साथ इस तरीके से बनाते हैं ना ये वाले यहाँ पे वही स्केल्स है और इन स्केल्स को क्या कहा जाता है साइक्लॉइड या फिर टेनॉइड ठीक है कॉल में कौन से थे प्लेक्इड यहाँ है टेनॉइड या फिर साइक्लॉइड एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बायसी फ्लोट कर सकते हैं यानी कि अगर स्विम नहीं करेंगे थोड़ी देर तो भी चल जाएगा आपने देखा होगा इस टाइप की जो फिश होती है वो आपको एक्वेरियम में बहुत ज्यादा दिखती है कलरफुल फिश ब्यूटिफुल फिश दे कीप स्विमिंग बट कभी कभी वो फ्लोट भी कर लेती है आराम से एक जगह पे क्यों बिकॉज दे हैव एन एयर ब्लैडर कॉन्ट्रिकाइज में नहीं था और इसीलिए उनको सिंक नहा हो इसलिए उनको कंटिन्यूसली स्विमिंग करनी थी हार्ट इज टू चेंबर्ड हार्ट वहां भी टू चेंबर्ड था यहाँ भी वन ऑरिकल टर्म क्या दिया था फिर से बता रही हूं किलो थर्मल या फिर अगर एनिमल्स लिख रहे हैं आगे तो हो जाएगा पॉय किलो थर्मस ओके एहसान मैम विल यू अपलोड दिस बेटा वॉट एग्जैक्टली डू यू वॉन्ट यू वॉन्ट द पीडिय प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंटेशन का पीडीएफ चाहिए पीपीटी का यस प्लीज लेट मी नो ठीक है बिकॉज़ आई वाज कि जैसे पहले भी एक रिक्वेस्ट आई थी तो हम ये कर सकते हैं बट अगर इफ पीपल आर इंटरेस्टेड ओनली देन बिकॉज हाँ डेफिनेटली ये तो कहीं ना कहीं आपको यूज तो बहुत अच्छे से हो जाएगा बिकॉज अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर गिवेन ओवर हियर सो दैट विल हेल्प यू ऑल सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स पॉय किलो थर्मल कहा गया है पॉइ कोल्ड ब्लडेड यानी दे कैन नॉट रेगुलेट देयर टेम्परेचर अपना टेम्परेचर ये रेगुलेट नहीं कर पाते हैं सेक्सेस आर सेपरेट विच इज अगेन डायोशियस फर्टिलाइजेशन इज यूजली एक्सटर्नल वहां पे इंटरनल था यहाँ पे आपका एक्सटर्नल है एंड सिंस एक्सटर्नल है यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आ गई है आपकी यानी कि एंड द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट यानी यहाँ लार्वल स्टेज नहीं आती है ओके ओके शी सिंग नो मैम आई वॉच दिस इन टू एक्स ओके बेटा एहसान एनी वेज जितने भी वीडियोज होते हैं ना वो सारे के सारे हम लोग कभी भी चैनल से नहीं हटाते हैं वी आर अगेंस्ट दिस पॉलिसी कि हम कोई वीडियो आपको दिखाएं एंड फिर उसको हटा दें हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर रिपीटेशन बार बार हो रहा होगा देन विच इज अ बेटर वीडियो वो मैं रखूंगी बट वी विल नेवर एवर रिमूव एनी काइंड ऑफ विडियोज जो भी हमारे विडियोज़ हैं दे आर मेड फॉर यू सो दे स्टे ऑन द चैनल ठीक है वो चैनल पे रहेंगे आप कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो हमें इस सब चीज से कोई इश्यू नहीं है ठीक है सो so, हम ये कहा थे फर्टिलाइजेशन क्या है इसका एक्सटर्नल है अगेन ओवी पैरस है है एंड डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है यानी कि लार्वल स्टेज जो है यहाँ पे नहीं है प्रेजेंट लार्वल स्टेज इज नॉट ओवर हियर सो जब वो एग में से जो ऑर्गेनिज्म बाहर आएगा इट विल डायरेक्टली रिसेंबल द ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट आपका डायरेक्ट हो गया राइट right? नेक्स्ट एग्जाम्पल्स मरीन ठीक है हमने पहले क्या की है मरीन भी है फ्रेश वाटर भी है मरीन में सबसे पहले जो एग्जाम्पल है आपका वो है कटल फिश सॉरी फ्लाइंग फिश जो है आपकी एग्जोसिटिस आई राइट इट ओवर हियर ये वाली ठीक है एग्जोसिटस नेक्स्ट जो है आपका वो है हिपो और योर सी हॉर्स हिपो कैंपस वैसे सी हॉर्स तो जनरली काफी सारे लोगों को पता होता है नेक्स्ट इज योर लेबियो जिसको हम आम लैंग्वेज uh, में रोहू कहते हैं दीज आर एडिबल फिश ठीक है नेक्स्ट इज योर कैटला कैटला जो है ना आपकी वो ये है रोहू जैसी मिलती जाती है और कैटला के बारे में एक चीज है कि इसका जो साइंटिफिक नेम है कैटला कैटला है ठीक है इट इज नोन एज कैटला कैटला अब ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस टाइप के नेम्स जो होते हैं जहां पे आपका जीनस और स्पीशीज का नेम सेम होता है उन नेम्स को क्या कहा जाता है ठीक है कमेंट करके बताइएगा मुझे नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका क्लैरियस ये अच्छा ये जो फिश है ना ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम इकोलॉजी करेंगे तब भी ये एक्चुअली इंडिजिनस नहीं है टू इंडिया दिस इज इलीगली ब्रॉड फ्रॉम अफ्रीका एंड इसको हम लोग एक्वेरियम्स में काफी बार देखते हैं ये एक्चुअली हमारी जो इंडिजिनियस फिश है उनको खत्म कर रही है और यही चीज जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि क्लैरियस को इंडिया में लाने से जो हमारी इंडिजिनियस फिश थी हाउ आर दे गेटिंग हैम्पर्ड ठीक है नेक्स्ट एक्वेरियम फिश बेटा ठीक है ये आपकी बेटा है

ठीक है सो so, ये हो गई आपकी क्लास ऑस्टेक थाइज यानी कि हमारी जो दो डिविजंस थी उसमें से जो पहली हमने साइक्लोस्टोमेटा करके एग्ने था तो खत्म ही कर दी उसके अलावा जो दो डिवीजन हुई थी हमारी कौन सी थी यहाँ पे पाइसेस और यहाँ पे टेट्रापोडा तो जो पाइसेस थी उसमें जो दो क्लासेस थी वो भी हमने खत्म कर दी हैं कोंड्रिक थाइज एंड योर ऑस्टेक थाइज अब ऑस्टेक थाइज का रिवीजन बोथ मरीन एंड फ्रेश वॉटर यानी कि सॉल्ट वॉटर में भी है फ्रेश वाटर में भी है एक्वेरियम वाली फिशेज इसका एग्जाम्पल है कि आपके ये फ्रेश वॉटर में भी रह सकती हैं। बॉडी इज स्ट्रीम लाइन माउथ इज मोस्टली टर्मिनल टर्मिनल हमेशा याद रखेंगे एक एंड की तरफ पे जैसे ये है ठीक है सो दिस इज सेकेंड टर्मिनल यहाँ पे तो टेल है माउथ यहां पे है तो माउथ यहाँ पे इस केस में टर्मिनल हो जाएगा ठीक है ना हैव फोर पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन ऑपरक्यूलम ऑपरक्युलम इनकी एक इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो ये कवर है जो इनके गिल्स गिल्सलेट्स को कवर करता है एंड दैट इज हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम कॉन्ड्रिक था अगेन वहां पे कोई अपरक्यूलम नहीं है

फ्लोट करना जो होता है दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर एयर ब्लैडर है इनके पास इसीलिए ये फ्लोट कर पाते हैं सो दे नीड नॉट कंटिन्यूसली स्विम स्विमिंग जो कंटिन्यूसली है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये फ्लोट भी आपके कर सकते हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट हार्ट इज टू चेम्बर्ड वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल पे भी दो चेंबर है इससे पहले भी दो चेंबर था वहां पे भी वन ऑरिकल या वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल था कोल्ड ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड के लिए मैंने क्या वर्ड दिया फिर से याद कर लीजिए हम लोग हैं होमियोथर्मल विच मीन वार्म ब्लडेड एंड वार्म वार्मेड एनिमल कैंड इजीली जो देशर है बॉडी का ये लोग नहीं कर सकते इनके आसपास जो एनवायरमेंट में होगा वही इनका भी होगा सेपरेट मेल एंड फीमेल डायोशियस फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल जो आपका फर्टिलाइजेशन देखा गया है वो एक्सटर्नल है और यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है ओवी पेरस है एगलिंग है डेवलपमेंट डायरेक्ट लावल स्टेज नहीं है एग्जाम्पल में हमने देखा सबसे पहला एग्जोसिटस यानी आपकी फ्लाइंग फिश सी हॉर्स हिपो कैंपस दिस इज योर रोहू रोह को लेबियो कहते हैं कैटला मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि जो कैटला का नाम है तो साइंटिफिक जो नाम होते हैं जहाँ जीनस और specific सेम है उनको क्या कहते हैं व्हाट इज द नेम गिवन टू सच काइंड ऑफ नेम्स एंड एग्जाम्पल्स राइट नेक्स्ट जो चीज हमने देखी थी वो थी क्लैरियस क्लैरियस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग आएंगे आपके में एक्वेरियम में आया आपकी बेटा एंड योर एंजल फिश एंजल फिश या फिर टेरोड ठीक है सो दिस इज नाउ वी आर डन विदिस अब पाइसिस खत्म हो गई अब जो चीज शुरू होने वाली है वो है थोड़ी सी और ज्यादा इन्वॉल्व दीज आर फाउंड इन वॉटर मेजरली अब जो हम पढ़ेंगे वो जो है वॉटर में भी हो सकते हैं टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं दीज आर ओनली कंफाइंड टू वॉटर ये पानी से बाहर नहीं निकलेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट इज आर क्लास एम्फीबिया बट क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है सो वॉट विल डू इज विल कंटिन्यू दिस टूमोरो तो जब हम कल मिलेंगे तब हम स्टार्ट करेंगे अपना एम्फीबिया ठीक है फिर रेप्टीलिया देन एवस एंड लास्टली मैमिलिया सो वेन वी मीट टूमोरो विल फिनिश ऑफ विद दिस चैप्टर ठीक है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मंडे से मैं आपका रात को नया चैप्टर शुरू करूँगी सो विच यूनिट डू यू वॉन्ट इफ़ यू हैव एनी सजेशन्स क्लास इलेवन का ही चलेगा रात को तो उसमें से कोई यूनिट पिक कर लीजिए आप या फिर मैं अपने आप कर लूँगी और आई डू वन थिंग मैं कोई पोल डाल देती हूँ आप मुझे उसमें वोटिंग करके बता दीजिए कि कौन सा यूनिट पहले स्टार्ट करना चाहिए वैसे भी अब पांच ही यूनिट्स बचे हैं तो पांच यूनिट्स हैं तो चार ही बचे हैं एक हमारा खत्म हो गया सो टेल मी विच यूनिट यू वॉन्ट ताकि हम उसको कंटिन्यू कर सकें ठीक है एज ऑफ नाउ यहां पे हम लोग एक पॉज दे रहे हैं मे वी मीट टूमोरो मॉर्निंग में सात बजे आना है किस लिए आना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस कल हम लोग मोस्ट रेवली एड्स डिस्कस करेंगे एड्स अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग जो कहीं ना कहीं हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जानना उसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बाकी हैं जैसे इम्यूनिटी तो हमने डिस्कस कर ली अब आएगा ऑटो इम्यूनिटी ऑटो इम्यूनिटी यानी कि जो हमारे सेल्स हैं वो कब हमको ही एक तरीके से अटैक करने लग जाते हैं वो देखेंगे बट ये सब चलेगा मॉर्निंग में सेवन ओ दैट इज योर क्लास ट्वेल्व का टाइमिंग ठीक है क्लास ट्वेल्व सेवन मॉर्निंग क्लास इलेवन नाइन ओ क्लॉक इन दी ठीक है सो वेन यू मीट टूमोरोड्यूल रहेगाक बाकी का जो एनिमल किंगडम है सॉरी वो कंटिन्यू करेंगे ठीक है कल खत्म हो जाएगा मंडे से नया जो आपका चैप्टर है वो किसी नए यूनिट से लिया जाएगा ठीक है सो टिल देन लाइक आई ऑलवेज से टेक केयर हैव गुड फूड ड्रिंक लोड्स ऑफ वाटर एंड यस डू सब्सक्राइब ठीक है सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियोस बाद में ना देखना पड़े जब वीडियोस चल रहे हो तभी देख लिया करो ठीक है लाइव तो मैं आ ही नहीं हूं उसी टाइम नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन आने के लिए क्या करना होगा बेल आइकन को प्रेस करना होगा राइट right? सो so, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आल्सो टेल मी इफ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज या कुछ चेंजेस आप चाहते हैं नीट में जब तक टाइम है हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ऑन द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू वांट बट हाँ जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहती हूँ जैसे आज मैंने कहा कि जो पॉइकुलोथर्मल है लिख लीजिए उसके आगे उसका मीनिंग लिख लीजिए और उसके आगे उसका एग्जांपल लिख लीजिए ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे यहाँ पर लिखा है आपका सेक्सेस आर सेपरेट तो ये होगा डायोशियस ये चीजें कुछ बच्चों को हो सकता है रिकॉल करने में थोड़ी सी मुश्किल हो है ना पॉइकिलोथर्मल होमियोथर्मल अगेन डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक काफी बार करा दिया मैंने बट अगर फिर भी लगता है कि कहीं लिखा हो तो रिकलेक्ट करने में या रिवाइज करने में आसानी से हो जाती है सो दीज काइंड ऑफ ट्रिक्स ये मैम जब पढ़ा रही होती हूँ तो अपने आप आती रहती हैं तो मैं आपको बता देती हूँ आप फॉलो कर लेंगे अगर सो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉलो कीजिए क्योंकि नीट जब भी होगा ना इस बार एकदम अच्छे से आपको प्रिपरेशन जो है वो करवानी है मुझे करवानी है मैंने आज मॉर्निंग में भी आपसे वादा किया था कि इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ दोनों का ही जो एनसीआर का सिलेबस है वो मैं आपकी नीट से पहले पहले खत्म करा दूंगी बाय हुक और बाय रुक सो so, उसके लिए क्या है मैं पहले बता चुकी हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए है ना सो चिल बी मीट टूमो मॉर्निंग लाइक सेवन एट नाइन आवर्स फ्रॉम नाउ यू हैव अ वेरी गुड नाइट स्लीप टेक केयर पढ़ाई करिए जितने आज पढ़ाया गया है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए एनसीआरटी से सो so दैट ये इतना टॉपिक जो है आपका ये आज ही पक्का हो जाएगा ठीक है टिल देन हैव अ गुड नाइट स्लीपेट टेक केयर बाय